आज इस वीडियो में आपको तरकीब बताने वाला हूं कि आप कैसे 12 दिन के अंदर स्वर ज्ञान कर सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो तरीका बताने वाला हूं इससे आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। देखिए, अगर आपको स्वर ज्ञान नहीं है तो आप दुनिया में कोई भी गाना किसी के पीछे हारमोनियम नहीं बजा सकते, आप खुद से कोई भी गाना नहीं निकाल सकते। अगर आपको किसी के पीछे हारमोनियम बजाना तो आपको स्वर ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले स्वर ज्ञान का मतलब समझिए कि स्वर ज्ञान क्या होता है। स्वर ज्ञान होता है कि मान चलिए किसी ने कोई गाना गाया, वो किसी स्वर के अंदर ही गाया ना, स्वरों के ऊपर ही कोई गाना होता है। जब बजाते तब भी हम कोई गाना स्वरों के ऊपर ही बजाते, तो गाते हैं तो भी स्वरों के अंदर ही गाते हैं। जब तक हमें किसी का गाया हुआ स्वर पकड़ में नहीं आता, जैसे मान चलिए मैं गा रहा हूँ किसी पांचवी काली स्वर से गा रहा हूँ, अगर मान के चलो आपको ये पकड़ में नहीं आ रहा कि मैं पांचवी काली से गा रहा हूँ कि चौथी काली से गा रहा हूँ कि तीसरी काली से, तो मतलब कि आपको स्वर ज्ञान नहीं। स्वर ज्ञान का मतलब यही होता है कि आपको सुन के सामने वाला जो गा रहा है उसका सुन के पता चल जाना चाहिए कि वो पांचवी काली से गा रहा है कि चौथी काली से गा रहा है कि तीसरी सफेद से गा रहा है कि पांचवी सफेद से गा रहा है। इसी को स्वर ज्ञान बोलते हैं, मतलब कि स्वर की आवाज़ को समझ के उसको प्रेडिक्ट करना और समझ के फिर उसके पीछे पीछे बजाने, इसी को स्वर ज्ञान बोलते हैं। अगर ये चीज़ आ गई तो गाना निकालना इजी। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप लोग घर बैठे हारमोनियम सीखना चाहते हैं या फिर घर बैठे आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अभी बिना किसी समय के हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको तरीका बताता हूँ कि स्वर ज्ञान करने का तरीका। स्वर ज्ञान करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका सुन लीजिए क्या है। पहला तरीका बहुत बेसिक तरीका है जिसमें अक्सर लोग इस तरीके को फॉलो नहीं करते। वो तरीका क्या है कि अलंकार बजाइए। जितने ज़्यादा कम से कम आप, मैं आपको बोल चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि 50 अलंकार आप पकड़ लीजिए, 50 अलंकार पकड़ लीजिए, 10 थाट पकड़ लीजिए, वो 50 अलंकारों को 10 थाटों के अंदर बजा दीजिए। ठीक है, गा के बजाने, जैसे मान लीजिए पहला अलंकार है ना, इस तरीके से गा के बजाइए, 10 थाटों में ये 50 अलंकार बजने चाहिए। फिर क्या करिए, आपका स्केल यानी जैसे आप चलो बिलावल में 50 अलंकार बजा दिए, फिर बिलावल थाट को अलग अलग स्केल से बजाइए, यानी कि दूसरी काली से बजाइए, जैसे ये दूसरी सफेद यहाँ से बजाना है ना। मतलब कि हारमोनियम में 12 के 12 स्केल से आपको बिलावल थाट आना चाहिए और बाकी की थाट भी आने चाहिए। तो ये हो गया पहला तरीका कि इस तरीके से स्वर ज्ञान भी किया जा सकता है। अभी दूसरा तरीका क्या है कि आप गानों को गाइए। जैसे मान के चलिए आपको पहली चीज़ क्या है कि गाना का कॉर्ड पता होना चाहिए कि गाना किस कॉर्ड में है, यानी कि मेजर कॉर्ड में है कि माइनर कॉर्ड। जैसे मैं गाना बजा रहा हूँ, मैंने रखा तीसरी कली पर, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में। तो ये मैंने क्या किया, कॉर्ड लगा के गाने को गुनगुनाने को। सेम इसी चीज़ को मैं दूसरी काली से भी कर रहा हूँ, इस तरीके से गाना। हर एक स्केल से कोई भी गाना पकड़े, कॉर्ड लगा के उस गाने को गाने की कोशिश, बजाना नहीं है खाली गाना है। मतलब कि इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कॉर्ड कैसे साउंड करता है, स्केल कैसे साउंड करता है। ठीक है, देन उसके बाद एक और बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि आप हमिंग के साथ प्रैक्टिस करिए या फिर स्वरों के साथ अपनी आवाज़ मैच करिए। जैसे आपने रैंडमली कोई स्वर पकड़ा, जैसे ये पकड़ा, अभी इस स्वर के साथ अपनी आवाज़ मैच करिए, ये पकड़ा, ये पकड़ा, हर एक स्वर के साथ आवाज मैच करने के लिए ये दो तीन जो मैंने अभ्यास बताया। पहला अभ्यास मैंने आपको बताया कि आप अलंकारों को बजाइए, अलग अलग थाटों में बजाइए, फिर उन थाटों को अलग अलग स्किल से बजाइए। दूसरी चीज मैंने कहा कि आपको गाना पकड़िए, गाने को कॉर्ड पकड़ के गाइए। जैसे मान चलिए, जैसे मैंने अभी ये एक और गाना गुनगुना के, जैसे ये मैंने पकड़ा चौथी कली, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के, है ना, तो कॉर्ड पकड़ के, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका कि आप हमिंग करिए, हर एक स्वर के साथ अपनी आवाज़ मैच शुरू करना शुरू करें। आप ये तीन अभ्यास जो मैंने बताए हैं, गारंटेड चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आप तीन ये अभ्यास 12 से 15 दिन करके देख लीजिए, आपको स्वर ज्ञान अपने आप होना शुरू हो जाएगा, आपको स्वरों के समझ आनी शुरू हो जाएगी कौन सा स्वर कैसे साउंड करता है। फिर आप किसी भी बंदे के पीछे हारमोनियम बजाने के लिए उसका स्केल पकड़ पाएंगे और इससे आपको गाने भी निकालने आएंगे, गानों की भी समझ आएगी कैसे किसी भी गाने को किसी भी स्केल से या किसी भी स्वर से बजाया जाता है। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।